रेडियो एक्टिव डिस तो सबसे पहले तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है दैट

और साथ में आपको ये पता होना चाहिए जो रेट है रे, जब रेडियो एक्टिविट रेडियो होती है दैट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मान लीजिए ए रेडियो सब्सटेंस जो है दैट इज गेटिंग डिसंटीग्रेटेड इन बी दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियाइड दिस इज द डॉटर न्यूक्लियस अब इसके नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली मान लीजिए आर इक्वल टू एन नॉट एट टी इज इक्वल टू जीरो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए प्रेजेंट आर इक्वल टू एन नॉट और नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम टी जिस टाइम पे आप रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे मान लीजिए द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आर इक्वल टू एन सो एन आर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट टाइम टी So radioactive disintegration, the rate rate of radioactive disintegration, represented by minus dN upon dt. This is the rate at which radioactive substance is disintegrating. This is directly proportional to n. This will be directly proportional to the number of atoms at uh, present at that particular instant. जिस टाइम पे आप रेट स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उस रेडियो एक्टिव सब्सटांस के वो एन है एंड दिस इज माइनस डी एन अपॉन दिस इज रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिस सो दिस विल बी माइनस डी एन अपॉन इज इक्वल टू के एन दिस के इज डीके कॉन्स्टेंट और डिस इंटीग्रेशन दिस के कैन बी डिफाइंड बाय अगर इसी इक्वेशन को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करो माइनस डी एन एन के डी टी ये इक्वेशन बन रही है माइनस डीएन पॉन एन एन नीचे लेके आया मैं डी टी ऊपर गया के डी टी और अगर वन सेकेंड लिया जाए टाइम दिस टाइम इंटरवल इज वन सेकेंड तो क्या बन जाएगा ये इफ टाइम इज वन सेकेंड सो दिस विल बी माइनस डी एन एन इज इक्वल टू के सो डिके कॉन्स्टेंट के क्या है फ्रैक्शन ऑफ द एटम्स गेटिंग डिसंटीग्रेटेड एट एट दैट पर्टिकुलर टाइम और इन वन सेकेंड एक सेकेंड में कितने फ्रैक्शन ऑफ एटम्स जो है डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं दैट इज द डिके कॉन्सटेंट माइनस डीएन क्या है माइनस क्यों लगाया दिस इज डिसइंटीग्रेशन वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं इनटू अदर टाइप ऑफ एटम्स

इस इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे इसको आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे हम अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया जाए सो वी विल गेट माइनस n पॉन एन इज इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स विल गेट दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू के टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई निकालने के लिए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए टाइम टी जो है उसको जीरो टाइम पे मैं कंसिडर करूंगा कि इनिशियली क्या था ये एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस लॉग ऑफ एन नॉट क्योंकि इनिशियली कितनेट थे एन नॉट

माइनस लॉग ऑफ एन ये वहां पर जाके प्लस हो रहा है लॉग ऑफ एन नॉट दिस विल बी के टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन नॉट माइनस लॉग ऑफ एन और लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है लॉग ऑफ ए अपॉन बी सो दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन दिस इज नेचुरल लॉग इसको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो वी विल ऑप्टेन द इक्वेशन सो के विल बी इक्वल टू 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग दैट इज टू द बेस टेन लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन और k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log of n not upon n this equation यू हैव to remember ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए भी यही इक्वेशन होती है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जब डिसइंटीग्रेशन होगी तब भी यही इक्वेशन आपने लगानी है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log of n not upon n n not क्या है n not है Number of atoms present initially at time equal to 0. N kya hai number of atoms present at time t. T is the time, jis pe bath ho a k k is the decay constant or disintegration constant. <coughs> this can also be written as k is equal to 2.303 upon t log of a n naught is a upon a minus x.

सो so, इस इक्वेशन को जो ये काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम फॉलो करवा रहे हैं इसको एक और तरह से भी लिखा जा सकता है एंड दैट इक्वेशन कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस इक्वेशन यहां से आप एक और इक्वेशन डिराइव कर सकते हो एंड दैट इज दिस कैन बी रिटर्न एज ई रेज पर के टी फॉर्मूला आपको पता होगा किस इज इक्ल टू वाई इसका मीनिंग क्या होता है e e और y इससे आप क्या कह सकते हो कि ई रेस्ट पर y इज इकल टू एक्स तो यही फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाऊं मैं तो दिस इज टू e बीवल टू एन नॉट अपॉन n. so from this equation you can derive that e raised to power kt is equal to n0 upon n or we can write it as n is equal to n0 e raised to power minus kt एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज पर माइनस के एन नॉट क्या है इनिशियली कि जितने एटम्स प्रेजेंट थे एन क्या है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट टाइम टी के क्या है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट सो दिस दीस टू इक्वेशंस ये वाली ये वाली है ये वाली जो मर्जी आप याद रखिए बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए ए क्या है एक्स क्या है ए माइनस क्या है नंबर टू एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस्ट माइनस के दिस इक्वेशन आल्सो यू शुड रिमेंबर ये दो इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए जब भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री कोई आएंगे आपको ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी या ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी नेक्स्ट टॉपिक इन दिस रेडियक्टिव डिस इंटीग्रेशन में इसी इक्वेशन से वी विल कैलकुलेट क्वेशन वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है <coughs> तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है वो टाइम जिसमें फिफ्टी परसेंट ऑफ द सबस्टांस डिसग्रेट हो जाए जैसे हंड्रेड ग्राम से स्टार्टिंग में रेडियम

एन कितना रह जाएगा टी हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग 50 परसेंट रह जाना चाहिए किसका 50 परसेंट एन नॉट का 50 परसेंट एन नॉट का 50 परसेंट क्या होगा एन नॉट डिवाइडेड बाय टू तो क्या बन जाएगा ये एन नॉट डिवाइडेड बाय एन क्या बन जाएगा एन नॉट डिवाइडेड बाय टू सो दिस विल बी एन नॉट एन नॉट कैंसल आउट वी आर लेफ्ट ओनली विद टी हाफ इज इक्वल टू टू अपॉन के

ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हाफ लाइफ पीरियड जो है दैट इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के अच्छा एक और आपने फॉर्मूला याद रखना है कि आपसे डायरेक्टली एक चीज याद रखनी है आपने कि एन इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन टू रेज टू पर एन एन क्या है कितना सब्सटेंस था इनिशियली एन क्या है

अमाउंट ऑफ दबस्टांस या नंबर ऑफ एटम स्टार्टिंग में प्रेजेंट थे तो एन इज इकल टू एन नॉट डिड टू रेस्ट पर एन और साथ में आपको यह भी याद रखना है टी हाफ इज इकल टू पॉइंट सिक्स थ्री अपॉन के नेक्स्ट इज यूनिट्स क्या होते हैं रेडियो एक्टिव के यूनिट्स ऑल्सो यू शुड नो तो यूनिट्स जो है यूनिट्स रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन के फर्स्ट इज इक्वल टू बैक्वेरेशन परिसंटीग्रेशन पर सेकेंड बैक्वेरल जो साइंटिस्ट था इसकी हेल्प से ही इसी ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को नोटिस किया था हुआ ये था ये यूरेनियम कंपाउंड पे काम कर रहा था रिसर्च कर रहा था शाम को जाते हुए इसने अपने ड्रॉर में काले कागज में यूरेनियम का वो कंपाउंड रख दिया और वो कंपाउंड रखा इसने फोटोग्राफिक प्लेट पे और सुबह आके इसने नोटिस किया जब कंपाउंड को उसने उठाया ब्लैक पेपर में जो रैप था कंपाउंड इसने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उस पर कुछ इंप्रेशन बने हुए थे और इंप्रेशन किसकी वजह से बने हुए थे एक्चुअल में यूरेनियम कंपाउंड ने कुछ रेडियश को एमिट किया था अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को एमिट किया था एंडफुल रेडिएशन आपको मैं बता चुका हूं कि अल्फा एंड बीटा रेडिएशन जो है दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट तो दिस वॉज द साइंटिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस अबाउट रेडियो एक्टिविटी चाहे एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी बट बेक्टर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस्ट रेडियो एक्टिविटी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हैं विच आर हार्मफुल रेडिएशंस। वन बैक्टेरियल इज इक्वल टू वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड सेकेंड यूनिट जो है दैट इज रदरफोर्ड के नाम पे वन रदरफोर्ड इज इक्वल टू टेन रेज टू पार सिक्स पर सेकेंड एंड थर्ड यूनिट इज

Average life. कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होता दैट मींस अगर 100 ग्राम कोई रेडियम लिया जाए या यूरेनियम आप कंसिडर कर रहे हो तो ऐसा टाइम जो होगा कि जब जीरो ग्राम यूरेनियम बच जाएगा दैट विल बी इनफाइनाइट टाइम तो हाफ लाइफ पीरियड के बजाय एवरेज लाइफ पीरियड डिफाइन की गई एवरेज लाइफ क्या होती है एवरेज लाइफ जो है दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ डी के कॉन्स्टेंट और आपको एक रिलेशन पता है अगर T half. के की के इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन टी हाफ के ऊपर लेके जाए टी हाफ नीचे लेके जाए तो इट विल बी के विल बी पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन टी हाफ So, this will be 0 0.693 upon T half and average life is reciprocal of decay constant T half upon point one, uh, 0 0.693 and this will be equal to 1.44 T half. 1.44 times which is 1.44 times half life period ka, that is the average life. So, average life is 1.44 times. हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ रेडियो एक्टिव सबस्टांस नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है इसमें दैट इज रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम व्हाट इज रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम जब भी कोई सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होता है ये तब तक वो सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होता रहता है जब तक कि एक स्टेबल न्यूक्लियस ना बन जाए जो सब्सटेंसेस हैं स्टार्टिंग में प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट होगा एक और न्यूक्लियस बनेगा दैट इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस अगर डॉटर न्यूक्लियस भी अनस्टेबल है रेडियो एक्टिव है तो वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और ये प्रोसेस चलता चलता रहेगा तो किसी भी सीरीज में मान लीजिए अगर ए बी सी डी ये एटम्स हैं जब डिसइंटीग्रेट हो रहा है कोई एलिमेंट मान लीजिए एक्स एक्स डिसइंटीग्रेट ए बना रहा है फिर बी बन रहा है फिर सी बन रहा है फिर डी बन रहा है और ये कब तक चलता रहेगा जब तक कि एक स्टेबल न्यूक्लियस नहीं आ जाएगा दैट इज सपोज जेड मैं बात कर रहा हूं बीच वाले एटम्स की जो बीच में बन रहे हैं ए बी सी डी कंजेक्टिव साथ वाले

सो रेडियो एक्टिव इक्वलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा वेन रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू रेट ऑफ ऑफ डी एंड इज रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन ऑफ ए मान लीजिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ए के जो एटम्स हैं दे आर एन ए बी के जो एटम्स हैं दे आर एन बी सी के जो एटम्स हैं दे आर आर एन एन सी डी के एटम्स डी what will be rate at which a will disintegrate minus d n a upon d t will be equal to rate of disintegration of b will be equal to rate of disintegration of c will be equal to rate of disintegration of d now we also know that minus d n a अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एन टू एन ए इसका भी ले लें साथ में माइनस डी एन बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के बी एन बी क्योंकि एट इक्विलिब्रियम रेडियो इक्विलिब्रियम ये दोनों इक्वल हो चुके हैं दीज आर इक्वल सो क्या बन जाएगा इक्वल टू के बी बी सो एट द रेडियो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ए एन ए विल बी इक्वल टू के बी एन बी इससे क्या निकल सकता है देखिए कि के ए अपॉन के बी के ए अपॉन के बी इज इक्वल टू के ए अपॉन के बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए और आपको एक चीज पता है कि जो डिके कॉन्स्टेंट होते हैं उनका हाफ लाइफ पीरियड्स के साथ क्या रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन होता है तो के इन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ फॉर ए के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ फॉर बी सो या आपको याद रखना है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी सब्सटेंस के प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट रेडियो एक्टिव इक्विब्रियम दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर हाफ लाइफ एंड नंबर ऑफ एटम्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डीके कॉन्स्टेंट दिस इज द इक्वेशन विच विल बी फुलफिल्ड एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट रेडियो एक्टिव इक्वलिब्रियम एक फिर से देखिए इसको रेडियो एक्टिव इक्वलिब्रियम क्या स्टेज है कौन सी स्टेज है मान लीजिए कोई पेरेंट न्यूक्लियस है इज जब वो होगा तो कुछ एलिमेंट्स बनाएगा वो ए विच इज डॉटर न्यूक्लियस अगर डॉटर भी रेडियो एक्टिव है सी बनेगा. बनेगा ये भी रेडियो एक्टिव है डी बनेगा और ये चलता रहेगा जब तक कि एक स्टेबल न्यूक्लियस अचीव ना हो जाए एक स्टेबल न्यूक्लियस ना बन जाए <coughs> अब मैं कंजेक्टिव एटम्स की बात कर रहा हूं

रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है क्यों होता है अचीव ये रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो इनका डिके है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है दैट विल बिकम इक्वल दैट इज माइनस डीएन ए अपॉन डीटी अगर ए का कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एन ए बी के एन बी सी के एन सी डी के एंड डी माइनस डीएनए पाउंड डीटी विल बिकम इक्वल टू माइनस डीएनबी पाउंड डीटी विल बिकम इक्वल टू माइनस डीएनसी पाउंड डीटी विल बिकम इक्वल टू माइनस डीएनडी पाउंड डीटी नाउ माइनस डीएनए पाउंड डीटी इक्वल टू कीएनए माइनस डीएनबी पाउंड डीटी इक्वल टू कीबीएनबी अगर इक्वल हो रहे हैं तो कीएनए �

and directly proportional to their half life periods next uh, we have to do some numericals based upon uh, this formulae jo humne abhi kiye hain दो तीन बहुत important फॉर्मूले किए हैं एक बार recollect करें कौन से फॉर्मूले थे और उसके बाद numericals तो <coughs> nuclear chemistry में मैंने कहा एक तो डिके कांस्टेंट निकालना हो के दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स के इज द डिके कांस्टेंट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट टी इज द टाइम जिस पे बात हो रही है ए जो है इनिशियली कितने एटम्स प्रेजेंट थे कितना सब्सटेंस प्रेजेंट था ए माइनस एक्स क्या है कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है एट टाइम टी एंड एक्स क्या है दिस इज दी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैज़ अप टू टाइम टी सेकेंड फॉर्मूला टी हाफ के लिए आपको याद रखना है टी हाफ इज़ इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन की दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नो न्यूमेरिकल्स फर्स्ट नुमेरिकल इज The half life of Cobalt sixty is five point two six years. Calculate the परसेंटेज एक्टिविटी रिमेनिंग आफ्टर फोर इयर्स देखिए हाफ लाइफ पीरियड गिवन है कुबार्ड सिक्सटी का फाइव पॉइंट टू सिक्स है

ए अपॉन ए माइनस एक्स सो एक और काम करना है आपने जो के है यहां से निकालना है आपने हाफ लाइफ पीरियड से कैसे निकलेगा पहले के निकालने आपको पता है कि टी हाफ या के इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन टी हाफ सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला के कैन बी कैलकुलेटेड जो के आएगा उसको यहां डालेंगे आप तो so के क्या आ रहा है के इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन टी हाफ और टी हाफ क्या है फाइव पॉइंट टू सिक्स दिस इज के ये वाला के की वैल्यू इसमें डालिए आप यहां पे। तो दिस विल बी पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन फाइव पॉइंट टू सिक्स इज इक्वल टू 2.303 टाइम इज़ इयर्स की बात हो रही है लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स पहले क्या कीजिए आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालिए तो दिस विल बी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू अगर निकालें दू जीरो पॉइंट टू टू एट एट आ रहा है

into 100 that will be percentage activity remaining after 4 years fir k se maine k value nikali t half se 0.693 upon t half t half given hai 5.26 wahan se k ki value aagi 0.693 upon 5.26 yahan dal dijiyye k ki value 0.693 upon 5.26 this will be 2.303 upon t is 4 log of a upon a minus x अब log ऑफ e a, upon a minus x की वैल्यू निकाल ली दैट इज 0.2288 एंटी लॉग लिया एंटी लॉग जब लिया तो उससे a e x की वैल्यू आ गई 1.693 रेसिप्रोकल लिया इसका a minus x upon a दैट इज इक्वल टू 1 1.693 दैट इज इक्वल टू 0.59 और 59% विल बी दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन Next numerical is the activity of one gram of radium is found to be. 0 0.5 curie. Calculate the half life period of radium. calculate the half life period of radium and the time required and the time required for the decay of for the decay of 2 gram of radium give 0 0.25 gram of radium. Atomic mass given a radium ka, atomic mass is equal to 226. देखिए क्वेश्चन है है कि एक्टिविटी जो एक ग्राम रेडियम की वो दैट हैज बीन फाउंड टू बी 0.5 क्यूरी कैलकुलेट रेडियम देखिए नंबर ऑफ एटम्स निकालने सबसे पहले तो हमने 1 ग्राम रेडियम में प्रेजेंट होंगे तो यूनिटरी मेथड से जो आपका बेसिक कंसेप्ट उसके हे, हेल्प से हमने निकालना है जो मास है, मास 226 ग्राम्स है, ये कितने आटम्स का मास होगा? One, uh, मोल का, 10 23 रेडियम आटम्स का जो मास इज टू हंड्रेड ट्वेंटी जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस्ट पार ट्वेंटी थ्री रेडियम एटम्स जो हैं उनका मास कितना आ रहा है 226 ट्वेंटी ग्राम या अदर वे राउंड कहें कि 226 ग्राम में कितने आइटम्स हैं 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू एक ग्राम में कितने होंगे तो यू हैव टू कैलकुलेट कि एक ग्राम में कितने आइटम्स होंगे नंबर ऑफ एटम्स इन वन ग्राम ऑफ रेडियम दैट विल बी इक्वल टू 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू डिवाइडेड बाय

0.5 क्यूरी का कितना आ जाएगा? 0.5 इनटू 3.7 इनटू 10 रेस्ट पार 10. दिस इज इक्वल टू के इनटू एन. एन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स एक ग्राम में जितने हैं. और दे आर इक्वल टू 6.023 इनटू 10 रेस्ट पार 23 डिवाइडेड बाय 226. तो यहां से आप क्या कीजिए? के की वैल्यू निकाल लीजिए.

Now, k will be equal to 6.9 into 10 raised to power minus 12 second inverse. Now, we are interested in half-life period, t half for k ka relation hota, t half is equal to 0 0.693 upon k. So, this will be equal to 0 0.693 upon k will be equal to 6.9 into 10 raised to power minus 12. So, this will be equal to. तो uh, तो तो ये seconds में तो में तो seconds में आ गया इतना। अब अगर करना हो, भी answer आप निकाल सकते हो मान लीजिए में इसको कन्वर्ट करना हो कैसे करेंगे इसको दिस विल बी इक्वल टू नाइन पॉइंट नाइन इंटू टेन रेस्ट पर टेन डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फोर इंटू थ्री सिक्सटी फाइव तो ये आ जाएंगे थ्री वन सिक्स फोर ईयर्स तो जो हाफ लाइफ आ रही है इस पर्टिकुलर सबस्टांस की दैट इज थ्री वन सिक्स फोर ईयर्स अब इस क्वेश्चन पे आइए सेकेंड पार्ट पे पहले तो हाफ लाइफ निकल गया एंड दाइम रिक्वायर्ड फॉर डिकी ऑफ टू ग्राम ऑफ रेडियम टू गिव जीरो दो ग्राम का एक ग्राम बनेगा एक हाफ लाइफ पीरियड एक ग्राम का पॉइंट फाइव ग्राम बनेगा दूसरी हाफ लाइफ पीरियड पॉइंट फाइव ग्राम का जीरो पॉइंट टू फाइव ग्राम बनेगा तीसरी हाफ लाइफ तीन हाफ लाइफ इन्वॉल्व है इसमें दो ग्राम से 0.25 ग्राम बनने तक तीन हाफ लाइफ पीरियड इनवॉल्व है दो से एक, एक हाफ लाइफ एक से 0.5 दूसरी हाफ लाइफ 0.5 से 0.25 तीसरी हाफ लाइफ तो एक हाफ लाइफ 3.164 इयर्स आ रही है तो कितने टाइम में होगा थ्री इंटू थ्री वन सिक्स फोर ईयर्स दैट विल बी इक्वल टू नाइन फोर नाइन टू ईयर्स three half lives will be equal to 3 into 3164 that is equal to 9492 years so these were the numericals now next topic in this nuclear chemistry is next topic is radioactive disintegration series रेडियो एक्टिव डिसइंटिग्रेशन सीरीज को समझने के लिए देखिए कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स गामा रेडिएशन को एमिट करता हुआ वो डिसंटीग्रेट होता है तो पेरेंट न्यूक्लियस जो है अगर रेडियो एक्टिव है वो डॉटर न्यूक्लियस बनाएगा डॉटर जो बना अगर वो भी रेडियो एक्टिव है तो फर्दर डिसंटीग्रेट होगा उसका भी डॉटर बनेगा आगे तो ऐसे चलता जाएगा और सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे जितने भी सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं कब तक चलता जाएगा पहली बात जब तक कि स्टेबल न्यूक्लियस अचीव ना हो जाए स्टेबल न्यूक्लियस ना बन जाए तो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट से लास्ट वाले एलिमेंट तक जितने भी सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्वड हैं दे आर कॉल्ड दैट दोस स्टेप्स आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज चार तरह की हैं मेनली रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज Thorium, Neptunium, Thorium series, Neptunium series, then there is Uranium series, then there is Actinium series. दिस इज आल्सो कॉल्ड 4n सीरीज अभी सिग्निफिकेंस बताता हूं मैं इसका आपको 4n 1 दिस इज 4n 2 दिस इज 4n 3 सीरीज तो दो चीजें हर एक सीरीज में याद होनी चाहिए स्टार्टिंग एलिमेंट और एंड वाला एलिमेंट तो स्टार्टिंग एलिमेंट पता होना चाहिए और एंड प्रोडक्ट पता होना चाहिए जो आपकी थोरियम सीरीज uh, है उसमें स्टार्टिंग एलिमेंट जो है दैट इज थोरियम 232 और एंड प्रोडक्ट इन केस ऑफ थोरियम इज लेड 208 इन केस ऑफ नेप्चूनियम सीरीज वी हैव प्लूटोनियम 241 एज द स्टार्टिंग एलिमेंट एंड द एंड प्रोडक्ट इज बिस्मथ 209

Series, thorium, uranium, actinium, इसको कहा गया, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे दे आर एक्टली उनके जो मास नंबर हैं, दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फोर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा जैसे टू थर्टी टू है by 4, को अगर divide करें आप फोर से क्या आएगा

Next topic is <coughs> Artificial Transmutation of Elements, Artificial Transmutation of Elements. बेसिकली जो ट्रांसम्यूटेशन है ट्रांसम्यूटेशन का मीनिंग होता है एक एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देना इनटू अनदर एलिमेंट तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर देना कैसे चेंज कर देना जो पहले वाला एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस को सब एटॉमिक पार्टिकल से स्ट्राइक करना और उसको स्ट्राइक करने के बाद एक किसी और एलिमेंट में चेंज कर देना इज नोन एज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल Rutherford ने किया था ये ट्राई सबसे पहले जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन गैस का जो सैंपल था उस पर अल्फा रे स्ट्राइक की एंड एलिमिनेशन ऑफ वन और साथ में एट ओ तो देखिए नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में चेंज किया गया कैसे चेंज किया गया जब नाइट्रोजन को आपने अल्फा रेज से स्ट्राइक किया तो जिससे आप स्ट्राइक कर रहे हो किसी भी न्यूक्लियस को और ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ट्रांसम्यूट कर रहे हो इनटू अदर टाइप ऑफ एलिमेंट दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल सबसे अच्छा प्रोजेक्टाइल कौन सा है सबसे अच्छा प्रोजेक्टाइल न्यूट्रॉन्स होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स का कोई मास चार्ज नहीं होता इसलिए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को इजीली स्ट्राइक कर सकते हैं वेर एज जो अल्फा पार्टिकल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं प्रोटोन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनका कोई मास ही नहीं है इसलिए दे आर नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड प्रोजेक्टाइल्स लेकिन जो अल्फा पार्टिकल्स हैं या फिर प्रोटोन्स हैं उनको एक्सोलेट करके अगर न्यूक्लियस पे स्ट्राइक किया जाए फास्ट उनको उनकी एक्सोलेशन कर दी जाए तब उनको अगर स्ट्राइक किया जाए देन दे कैन बिहेव एज वेरी गुड प्रोजेक्टाइल्स और जिन इंस्ट्रूमेंट्स में उनको एक्सुलेट किया जाता है दे आर कॉल्ड या या बेवट्रोन तो साइक्लोट्रोन क्या है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप इन प्रोजेक्टाइल्स को एक्सुलेट कर सकते हो सो so दैट जैसे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन है या पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इफेक्टिवली न्यूक्लियस को तोड़ नहीं पाएंगे उसको टारगेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है or alpha and uh, alpha particles as well as protons are also positively charged. So, they have to be accelerated before striking into the nucleides. So, this is artificial transmutation of elements, each element ko, dusre element may change kar by striking the one element with the subatomic particles such as alpha particles, protons, yafe neutrons is called artificial ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स इसी के साथ-साथ में न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है जैसे ये वाला है एक अल्फा पार्टिकल है जो निकला है दैट इज प्रोटोन इस रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना तो एक अच्छा मेथड एक और भी है और ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि 7n14 ब्रैकेट में किससे कौन सा रिएक्टेंट है साथ में अल्फा बना क्या प्रोडक्ट साइड में प्रोटोन और क्या बना तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे करके दिया है तो सेवन एंड फोर्टीन पे क्या स्ट्राइक किया अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया अल्फा पार्टिकल इज टू एच ई फोर और बना क्या क्या उस साइड एट ओ सेवनटीन साथ में एक प्रोटोन विच इज वन एच वन नेक्स्ट टॉपिक इज Artificial or induced radioactivity. तो एज़ द नेम सजेस्ट आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी क्या है कि एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट में चेंज कर देना और कैसे चेंज कर देना नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किसी सब एटॉमिक पार्टिकल से स्ट्राइक करके उसे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में चेंज कर देना इज नोन एज आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी फॉर एग्जांपल वी हैव इसको अगर अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक किया जाए वी इसमें जो ये है एल्यूमिनियम 37, 13 एल्यूमिनियम 27, दिस इज नॉन रेडियो एक्टिव एंड दिस 15 फास्फोरस 30, दिस इज रेडियो एक्टिव तो इसमें क्या किया हमने एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट करवा दिया कैसे कन्वर्ट करवा दिया <coughs> उसको मैंने सब से स्ट्राइक करवाया और क्या बन गया? एक बन गया गया एक एलिमेंट तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को वी आर कन्वर्टिंग इन टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाय स्ट्राइकिंग दॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाय स्ट्राइकिंग न्यूक्लियस ऑफ दॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद A projectile or with the subatomic particle is called uh, induced or artificial radioactivity. Induced ki gayi hai, produced ki gayi hai. that is why it is called induced radioactivity. Next topic uh, in nuclear chemistry is. सो व्हाट आर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस क्या होते हैं ऐसे रिएक्शंस इसमें जिसमें कि एक बड़े न्यूक्लियई को बड़े न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन करके छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड कर दिया जाए फॉर एग्जांपल वी हैव 92 यूरेनियम 235 अगर इसको एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करें हम द बड़े वाला न्यूक्लियस जो है इट विल गेट कन्वर्टेड स्मॉलर स्मॉलर मासेज और दो कौन से बनेंगे एक बेरियम और एक क्रिप्टन दिस विल बी फिफ्टी सिक्स थर्टी सिक्स वन फोर्टी एंड नाइनटी थ्री एंड दे साथ में एमिशन ऑफ थ्री न्यूट्रॉन्स प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सो न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस जिसमें कि एक बड़ा न्यूक्लियस जो है उसको तोड़ के ब्रेक डाउन करके स्मॉलर न्यूक्लियाइड्स बनाए जा रहे हैं और कैसे तोड़ा जैसे ये यूरेनियम जो है इसको ब्रेक डाउन किया हमने विद दी हेल्प ऑफ ए न्यूट्रॉन और बेरियम और क्रिप्टन बने हैं और साथ में थ्री न्यूट्रॉन्स भी निकले हैं और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकली है सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ बिगर न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाइड्स विद दी हेल्प ऑफ ए प्रोजेक्टाइल उंट ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट एक और तरह से तरह से करूं मैं कि एक यूरेनियम है न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहे थ्री न्यूट्रॉन बनेंगे एक एक न्यूट्रॉन फर्दर एक एक यूरेनियम को उसकी फ्यूजन करेगा then there is emission of three neutrons. तो एनर्जी जो है वो मल्टीप्लाई होती जा रही है देखिए पहले स्टेप में अगर ई e एनर्जी है थ्री ई नाइन ई ऐसे करके एनर्जी इवॉल्व जो है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी और ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं

And for destructive purposes also, with the एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस इज ऑल्सो विदेल फॉर्म ऑफ एटोमिक बॉम्ब दो करेंगे पर उससे पहले जो एनर्जी निकलती है ड्यूरिंग द न्यूक् कैसे निकाला जा सकता है उसको निकाला जा सकता है help of mass defect। हमने calculate करना है टोटल mass ऑफ the reactants, हमने कैलकुलेट करना है टोटल मास ऑफ द products, टोटल मास ऑफ द reactants माइनस टोटल मास ऑफ द products जो होगा दैट विल गिव यू डेल्टा एम

कि एनर्जी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे आप ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्वेश्चन इज फ्रेगमेंटेशन यूरेनियम टू थर्टी फाइव In neutron bombardment is according to the equation. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट गिवन कितने हैं वो निकालने पड़ेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है दैट इज कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड द एनर्जी रिलीज पर एंड एनर्जी रिलीज्ड पर यूरेनियम एटम फ्रेगमेंटेड पर यूरेनियम एटम फ्रेगमेंटेड मास दिए हुए हैं, पर एक बात कही है उसने वी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन नेगलेक्ट कब करना है मास निकालते हुए नेगलेक्ट नहीं करना जब एक्स और वाई निकालना है तब ये मास आपने मासगलेक्ट कर देना है दिस विल बी टेकन एज जीरो जब मास निकालना है तब आपने मास नेगलेक्ट नहीं करना है जो इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है 5.5 10 रे टू माइनस -4 एएमयू उसको कंसिडर करना है लेकिन जब एक्स और वाई निकालने हैं यू हैव टू नेगलेक्ट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो मास इज आल्सो गिवन यूरेनियम 235 जो है दैट इज इक्वल टू 235.044 एएमयू में है ये देन वी हैव ज़ीनॉन का मास this is equal to 135.907, this is also in AMU, amu, then we have molybdenum, this is equal to 97.90 amu Me, we have mass of electron that is also given 5.5 into 10 raised to power minus 4, then we have neutron ka mass. 1.0086 दीस मासेस आर गिवन फर्स्ट टाइम आपका x और y यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन दिस क्वेश्चन उसके बाद आप डेल्टा m निकाल सकते हो तो मास नंबर्स को इक्वेट कीजिए दिस इज द आंसर 235 प्लस 1 दैट विल बी 236 इज इक्वल टू 98 प्लस 136 प्लस will be zero प्लस y into one y तो फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास y आ जाएगा और y is equal to 2. Second, atomic numbers को आप कीजिए तो लेफ्ट साइड में कितने atomic नंबर है ninety two plus zero ninety two only <coughs> एक और इक्वेशन बनेगी forty two प्लस fifty four प्लस

इलेक्ट्रॉन का तब भी नेगलेक्ट कर देते हैं जब डेल्टा m निकालना होता है बट डेल्टा m निकालते हुए मास डिफेक्ट निकालते हुए यू हैव टू कंसीडर द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नाउ ये मैं यहां पे लिख देता हूं कि x कितने आ रहा है x आ रहे हैं 4 दीज आर 4 और y is equal to 2 सो नाउ कंसीडर डेल्टा m कैसे निकलेगा पहले आप निकालोगे टोटल मास

टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स एक मोलिव जीनॉन का 135.907 प्लस फोर इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन का इतना है तो फोर इंटू दिस और दो न्यूट्रॉन्स का एक न्यूट्रॉन का 1.0086 है तो ट्वाइस ऑफ दिस अगर एडअप करें सारा ये तो दैट विल बी इक्वल टू 235

कितना मास डिफेक्ट है सब ट्रैक कीजिए टू थर्टी सिक्स पॉइंट जीरो माइनस टू थर्टी फाइव पॉइंट एट टू सिक्स फोर दिस विल द टू जीरो मास डिफेक्ट नाउ द एनर्जी रिलीज विल बी इक्वल टू जितना ए एमयू में मास डिफेक्ट है जीरो पॉइंट टू टू सिक्स टू नाइन हंड्रेड थर्टी वन पॉइंट फाइव

और एक एमयू के मास डिफेक्ट के लिए आपको याद रखना एनर्जी रिलीज इज इकल टू नाइन इलेक्ट्रॉन तो जितना मास डिफेक्ट आया जैसे यहां पर इन टू नाइन थर्टी टोटल एनर्जी रिलीज टू हंड्रेड टेन पॉइंट सेवन विल बी दी आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन